आज हम लोग ये चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे फिर उसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है। योग मतलब क्या? ऐड, ठीक है। पिता है और उसका पुत्र है, तो फादर है और सन है, उसका योगफल कितना है? 60 वर्ष है दिया गया है। इसका मतलब कब है? वर्तमान का दिया गया है दोनों का योगफल। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब क्या बोल रहा है? 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 5 गुनी मतलब क्या? 5:1 का रेशियो बनेगा और ये रेशियो कब का है? 6 वर्ष पूर्व का है। अब बोल रहा था 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, देखिए ये वाला सेंटेंस को रिपीट कर दिया गया है, यहाँ पे जो यहाँ से सेंटेंस था वही वाला यहाँ पे रिपीट किया है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, मिसप्रिंट है ये, ठीक है, यहाँ तक सही है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, ठीक है, तो पुत्र की आयु निकालने बोला गया है, ये हम लोग को दिया गया है और इसमें से बोला गया है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालना है। तो देखिए दोनों का रेशियो जो है 6 वर्ष पूर्व का है और योगफल कब का है? तो योगफल वर्तमान का है, तो योगफल को भी हम लोग पूर्व में ले जाएंगे, मतलब 6 वर्ष पूर्व में दोनों की आयु का योगफल कितना था वो हम लोग को पता रहना चाहिए। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो हम लोग को वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा जो कि मैंने पार्ट 1 का वीडियो में बताया था पहले ही, पूर्व होता है फिर वर्तमान होता है और बाद होता है। तो हम लोग को कहाँ जाना है? देखिए वर्तमान का दिया गया है, वर्तमान का ये योगफल दिया गया 60, तो वर्तमान से हम लोग को 6 वर्ष पूर्व जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस करते हैं। अब माइनस कितना करेंगे? 6 वर्ष है तो 6 वर्ष ये भी घटेगा और 6 वर्ष ये भी घटेगा, तो ओवरऑल कितना घटेगा? 6 6 12 घट जाएगा, तो 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 48, मतलब 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योगफल क्या होगा? 48। अब 6 वर्ष पूर्व की आयु का योगफल हम लोग को 48 मिल गया और रेशियो हम लोग को पता है 5:1 का। तो अब क्या करना है? देखिए दोनों की आयु का योगफल है 48, तो योगफल मतलब क्या? ऐड करके, और रेशियो को भी तब हम लोग ऐड करेंगे, तो 5 और 1 6। अब समझ में आ रहा होगा क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऐड किया हुआ है दोनों का योगफल है, तो योगफल मतलब क्या? ऐड करके इतना है तो रेशियो को भी ऐड करेंगे, तो 5 और 1 6 हो गया, 6 इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 या 48। अब ये जो 8 निकला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका निकालना है, तो बोल रहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पुत्र का रेशियो ये है 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 8 1 जो 8 हो जाएगा। लेकिन ये 8 जो आया ये कब का है? 6 वर्ष पूर्व का है और पूछा कब का गया है? 6 वर्ष बाद का। तो देखिए फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट, पूर्व का हम लोग को दिया गया है, मतलब पूर्व का हम लोग को मिल गया आंसर 8, और निकालना कब है? बाद का, ये वाला निकालना है हमको। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो प्लस कर देंगे। अब कितना प्लस करेंगे? 6 वर्ष यहाँ भी है और 6 वर्ष यहाँ, तो 6 और 6 12 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 12 और 8 20 वर्ष। अब अच्छे से समझिए, 6 वर्ष पूर्व में है, वर्तमान में जाएगा तो 6 ऐड होगा, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 8 था और 6, 8 और 6 14 हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान में फिर 6 जोड़ेंगे तो बाद में जाएंगे, तो फिर 6 जोड़ के 20 हो जाएगा, मतलब 6 और 6 12 ऐसे डायरेक्टली हम लोग जोड़ सकते हैं, एक एक करके जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए इसका बेसिक तरीका, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल इतना है, तो वर्तमान लिख देंगे और पिता है और पुत्र है, योगफल दिया गया कितना? 60 वर्ष है। अब बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष पूर्व ये दोनों का निकालेंगे हम लोग, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पिता है पुत्र है, 5 गुनी मतलब क्या? 5:1 का रेशियो बनेगा, यहाँ तक तो हम लोग सेम लिखेंगे, ये जो रेशियो है यहाँ बस एक्स लगा देना है। अब ये कब का है? 6 वर्ष पूर्व का है और योगफल कब का है? वर्तमान का है, तो इसको वर्तमान में चेंज करेंगे, तो पूर्व से देखिए वर्तमान आएंगे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, पूर्व वर्तमान और बाद वाला, तो पूर्व से वर्तमान जाएंगे तो इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करते हैं हम लोग, तो ऐड करेंगे कितना? पूर्व से वर्तमान आ रहा है तो 6 वर्ष पूर्व था, अभी कितना हो जाएगा? 6 साल बढ़ जाएगा, तो 6 साल ऐड करेंगे, इसमें भी क्या होगा? 6 ऐड हो जाएगा। अब 1x है तो 1x का मतलब ही x होता है, ठीक है, या तो 1x लिखिए या फिर x लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 6 वर्ष बढ़ गया, मतलब वर्तमान में फादर का उम्र कितना होगा? 5x+6, और सन का कितना होगा? x+6। अब यही दिया गया है, वर्तमान में दोनों का योगफल है 60, तो दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी वर्तमान का है और ये भी वर्तमान का है, तो दोनों को ऐड करके कितना है? 60 है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो निकाल लेते हैं, 5x और x हो जाएगा 6x, और 6 और 6 12 इज इक्वल टू 60। अब 6x इज इक्वल टू 60 है, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू, अब क्या होगा इससे घटाएंगे तो 48 होगा, तो हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा कितना 6 8 या 48, x का वैल्यू 8 आया। अब निकालने क्या बोला गया था, तो निकालने देखिए बोला गया था 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए पूर्व का हम लोग को पता है, ये रेशियो कब का है, पूर्व का है, पहले यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो निकला, ठीक है, 1x मतलब क्या एक्स, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को 8 निकला, और यही हम लोग का सन का एज हो गया। तो ये कब का एज हुआ, 6 वर्ष पूर्व का, लेकिन हम लोग को चाहिए 6 वर्ष बाद का, तो 6 और 6 12 ऐड कर देंगे, तो 12 और 8 20 वर्ष। अब 12 क्यों ऐड कर रहे हैं उसको समझिए, 6 वर्ष पूर्व का पता है, इसको वर्तमान में पहले जाएंगे तो कितना था, 8 था, एक्स का वैल्यू 8 निकला था। अब 6 वर्ष से यहाँ पे था 6 वर्ष पूर्व, यहाँ से वर्तमान जा रहे हैं, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व का हम लोग का एक्स का वैल्यू था, तो एक्स का वैल्यू 8 आया। अब यहाँ से वर्तमान जाएंगे तो पहले 6 ऐड करेंगे, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, मतलब यहाँ तक वर्तमान में कितना एज होगा, 14 वर्ष होगा, अगर वर्तमान में पूछता तो। ये कब का एज होगा, वर्तमान का, और ये कब का था, 6 वर्ष पहले या पूर्व का, पहले मतलब ही पूर्व होता है, लेकिन पूछा गया 6 वर्ष बाद का, तो वर्तमान से अब बाद जाएंगे तो फिर 6 वर्ष ऐड करेंगे, वर्तमान से बाद जाएंगे तो फिर 6 वर्ष ऐड करेंगे। क्यों 6 वर्ष ऐड करेंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद का पूछा गया है, इसीलिए 6 वर्ष ऐड, अगर 10 वर्ष बाद होता तो 10 वर्ष ऐड करते हैं, तो 6 वर्ष बाद में 6 वर्ष ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। तो ये कब का होगा, 6 वर्ष बाद का ही होगा, तो तीनों आयु निकल गया, 6 वर्ष पहले का अगर पूछता तो इतना होता, वर्तमान का पूछता तो 14 वर्ष होगा, अगर 6 वर्ष बाद का यही वाला पूछा गया है 6 वर्ष बाद का, तो आंसर हम लोग का 20 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें दिया गया राजेश की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/5 गुना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वर्तमान का उसका रेशियो है, वर्तमान कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे है लिखा हुआ है, तो राजेश का उम्र उसके पिता के उम्र का 1/5 गुना है, तो 5 किसका होगा, हमेशा फादर का ही होगा, क्योंकि फादर हमेशा बड़ा रहता है, इसीलिए बड़ा वाला वैल्यू फादर का होगा, तो 1:5 का रेशियो बन रहा है। अगर 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग इतना है, अब क्या दिया गया है, 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग, मतलब राजेश से और फादर, ये दोनों का मिला के कितना है, 44 वर्ष दिया गया है, ये 4 साल बाद का दिया गया है, और रेशियो कब का है, वर्तमान का है, तो इसको देखिए वर्तमान में हम लोग ले आएंगे, और पूछा क्या गया, राजेश की वर्तमान उम्र, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखिए वर्तमान का रेशियो है लेकिन ये 4 साल बाद का है, तो ये भी हम लोग को कब का चाहिए, वर्तमान का चाहिए। अब वर्तमान का क्यों चाहिए, क्योंकि रेशियो जब का होता है तब का हमको इसको चेंज करना पड़ता है। तो देखिए वर्तमान में क्या हो जाएगा, राजेश प्लस उसका फादर मिला के, तो बाद से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, वर्तमान, तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट देखिए, पूर्व होता है फिर वर्तमान फिर बाद। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाद से वर्तमान, मतलब बाद से वर्तमान, यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस कर देंगे हम लोग, ये इक्वल टू है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे हम लोग कितना, 4 साल बाद है, तो 4 साल इसका भी घटेगा, 4 साल इसका भी घटेगा, 4 4 8 घटाएंगे, ठीक है, इधर आ रहे इसलिए घटा रहे हैं, कितना घटेगा, 4 इसका 4 इसका 8 घटाएंगे, तो 8 इसमें से घटा देंगे तो हम लोग का आएगा क्या, तो 14 से 8 गया 6 और 3, मतलब 36 वर्ष होगा इसका वर्तमान में दोनों का मिला के। अब देखिए वर्तमान का इसका योगफल हम लोग को पता है और वर्तमान का रेशियो भी पता है, तो इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, योगफल है 36, तो 36 को, ठीक है, इसको जोड़ के डिवाइड करेंगे। अब जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखिए ऐड करके 36 है, तो इसको भी ऐड करेंगे, 5 और 1 6 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 भाग क्या निकला, 6 निकला। अब जिसका बोला गया उससे मल्टीप्लाई, तो राजेश की वर्तमान उम्र, तो राजेश ये है, इसका वर्तमान का ही रेशियो दिया गया 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 1 6 वर्ष। अगर फादर का पूछता वर्तमान तो इसका क्या हो जाता, 6 इसको मल्टीप्लाई करते 6 5 30, तो फादर का वर्तमान उम्र 30 वर्ष होता और इसका होता 6 वर्ष, ठीक है, तो इसी का पूछा गया है, 6 वर्ष आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्स मान के भी बना के देखेंगे, तो देखिए इसका बेसिक ट्रिक, ये दिया गया राजेश की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/5 गुनी है, तो राजेश है उसका फादर है, 1/5 गुनी का मतलब क्या है, इसका 1 है तो फादर का 5 है, बस एक्स लगा देना है, और ये कब का है, वर्तमान का है। अगर 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योगफल इतना है, तो 4 वर्ष बाद इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान में है, तो 4 साल बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान से बाद हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो बार बार लिखने का उतना जरूरत नहीं है, पूर्व होता है फिर वर्तमान फिर बाद, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो एक्स है प्लस क्या करेंगे 4, तो 4 साल बाद इसका उम्र कितना होगा, एक्स प्लस 4, और फादर का कितना होगा, 5x प्लस 4। अब यहाँ पे दिया गया है 4 साल बाद दोनों की उम्र का योगफल इतना है, तो दोनों का उम्र का योग कितना है, योग मतलब ऐड,
मिला के 44 वर्ष है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, और पूछा गया है राजेश की वर्तमान उम्र, तो राजेश की वर्तमान उम्र क्या है, एक्स है, 1x है, मतलब एक्स, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ 5x है, तो हो जाएगा 6x, और 4 और 4 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 44। 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44, ये माइनस में 8 हो जाएगा। अब 6x इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू 6, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू ही है ना ये वर्तमान उम्र में, इसका देखिए वर्तमान में क्या है, 1x है, तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। अगर फादर का पूछता तो 5 × x का वैल्यू पुट करते, कितना हो जाता, 5 × x का वैल्यू 6 है, तो 6 पुट करते, 5 × 6 = 30, ये किसका होता, फादर का होता, लेकिन राजेश का पूछा गया तो राजेश का कितना होगा, 6 वर्ष आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है, तो 30 वर्ष छोटा बड़ा का मतलब क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब उसका चाचा को हम लोग अंकल लिख ले रहे हैं, उसके चाचा का और उसका मतलब राम का एज का डिफरेंस कितना दिया गया, 30 वर्ष है, ठीक है, छोटा है इसका मतलब क्या, दोनों की उम्र का डिफरेंस है, जब छोटा बोला जाए या बड़ा बोला जाए तो हमेशा डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस, तो माइनस करेंगे कब का, बड़ा से छोटा को, तो बड़ा कौन होगा, चाचा ही बड़ा होगा, इसलिए अंकल से इसका माइनस कर दिए, कितना हो गया 30, और ये है बोला गया, इसका मतलब कब का है, ये वर्तमान में दिया गया है। अब 5 वर्ष पहले राम की आयु जो है उसके चाचा की आयु की 1/4 थी, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा की आयु की 1/4 थी, मतलब इसका 1 था तो इसका 4 था। अब ये इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 1/4 मतलब क्या, 4 किसका होगा, 4 हमेशा उसका चाचा का होगा, क्योंकि चाचा ही उससे बड़ा होगा, तो जिस जो बड़ा होगा उसका ही वैल्यू बड़ा वाला होगा, तो ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये रेशियो है। आज से 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु होगी, तो 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु कितनी होगी वो पूछा गया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए ये वैल्यू हम लोग को दिया गया है, अब देखिए वर्तमान में डिफरेंस इतना है, तो 5 वर्ष पहले का रेशियो हम लोग को पता है, तो 5 वर्ष पहले का डिफरेंस भी पता रहना चाहिए, तो 5 वर्ष पहले अंकल और उस मतलब राम का डिफरेंस कितना होगा, 30 ही होगा। वर्तमान में डिफरेंस अगर 30 है तो 5 वर्ष पहले भी डिफरेंस 30 ही होगा, 50 वर्ष बाद भी डिफरेंस उतना ही होगा, मतलब कितना भी वर्ष पहले या कितना भी वर्ष बाद चल जाए डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही होता है। अब समझिए, इसको समझिए अच्छे से कि क्यों ऐसे हो जाता है। अगर मान लीजिए कि उसका अंकल जो है राम का आयु मान लेते हैं 20 साल और इसका आयु मान लेते हैं 30 साल है, तो अभी देखिए एज का डिफरेंस क्या है, 10 साल का डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, 10 साल का जो डिफरेंस है इसका मतलब क्या, इसका अंकल जो है इससे 10 साल बड़ा है, डिफरेंस का मतलब यही हुआ। अब हम बोलेंगे अगर 5 साल पहले, जैसा कि इसमें दिया गया था 5 साल पहले, तो इसको भी हम लोग 5 साल पहले ले जा सकते हैं, तो 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा, 25 साल का हुआ होगा, और ये 5 साल पहले कितना होगा, 20 साल का, ये 15 साल का हो जाएगा, 5 साल घट जाएगा ना। अब देखिए कैसे घट रहा है, तो होता है पूर्व, वर्तमान और बाद, यही होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्तमान का है और हमको जाना कहाँ है, पहले, पूर्व मतलब पहले, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे इसीलिए घटा रहे हैं, तो कितना 5 साल पहले गए हैं, तो 5 5 घट जाएगा दोनों का, तो ये 15, ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान में मतलब अभी, ठीक है, प्रेजेंट में ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 साल का है, 5 साल पहले भी देखिए डिफरेंस कितना है, दोनों की आयु का डिफरेंस, यहाँ पे भी देखिए 10 साल का ही डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या, इसे इसको घटा दें तो 10 आएगा, इसे इसको घटा देंगे तो 10 आएगा, तो देख रहे हैं कि डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 साल पहले भी डिफरेंस इतना, और 5 साल पहले का डिफरेंस हम लोग को पता है, और 5 साल पहले का रेशियो पता है, अब इजीली हम लोग बना सकते हैं, तो 30 लिखेंगे और यहाँ पे डिफरेंस है मतलब माइनस करके है, तो ये भी माइनस करेंगे हम लोग, तो 4 से 1 = 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 10, अगर यहाँ पे ऐड रहता तो इसको ऐड करके डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है इसलिए डिफरेंस करके, तो 3 से इसको डिवाइड किए तो 10 आया। अब जिसका बोला गया है उससे मल्टीप्लाई, तो 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु क्या होगी, तो राम का चाचा ये है, 4 है इसका रेशियो, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 × 4 = 40, लेकिन 5 वर्ष बाद बोला गया है, और कब का हमको दिया गया है, 5 वर्ष पहले का हम लोगों को रेशियो था, तो 5 वर्ष पहले उसका एज कितना निकला, 40, लेकिन 5 वर्ष बाद निकालना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, ये पहले से हमको बाद जाना होगा, तो पहले से बाद मतलब क्या, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करेंगे, अब कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 और 5 = 10 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 50 वर्ष। अब अच्छे से समझिए क्योंकि 10 ऐड क्यों किए, 5 वर्ष पहले था, तो 5 वर्ष पहले से देखिए वर्तमान जाएंगे, तो यहाँ पे कितना था, 40 था, तो यहाँ जाएंगे तो कितना होगा, 5 ऐड हो जाएगा 45, लेकिन 5 वर्ष बाद बोला गया है, तो वर्तमान से फिर बाद जाएंगे, तो 45 फिर 5 50, इतना हम लोग नहीं करेंगे,
इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये पांच और ये वाला पांच ऐड कर दिए, 10 हो गया, तो डायरेक्टली 10 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, पूर्व से बाद, तो इस डायरेक्शन में हम लोग ऐड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका बेसिक तरीका, देखिए बेसिक तरीका और ट्रिक में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तो इसको अच्छे से समझिए। राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है, 30 वर्ष छोटा का मतलब अभी जस्ट हम बताएं कि बड़ा छोटा जब बोलेगा तो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस कब किसका लिखेंगे पहले, तो पहले हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे जो बड़ा होगा, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, उसका चाचा ही होगा, तो बड़ा से छोटा को घटाएंगे तो कितना होगा, 30 वर्ष है, और ये कब का है, वर्तमान का है, ये वर्तमान का दिया गया है। अब बोल रहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा की आयु की 1/4 थी, तो चाचा की आयु की 1/4 मतलब क्या है, इसका 4x था तो इसका x था, 4x और x हो गया, ये दिया गया हम लोगों का। और वर्तमान का देखिए इसका डिफरेंस है, और 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु क्या होगी, ये पूछा गया है, तो देखिए 5 वर्ष पहले इतना है और वर्तमान का डिफरेंस है, तो वर्तमान में हम लोग एज निकाल लेंगे कि वर्तमान में चाचा का कितना एज होगा, तो 4x इतना तो होगा ही, अब 5 वर्ष पहले था और वर्तमान आ रहे हैं, तो पहले से वर्तमान जाएंगे तो ऐड करते हैं, कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, पहले से वर्तमान अगर जाएंगे, ठीक है, 5 वर्ष पहले है, पहले से वर्तमान जाएंगे तो 5 ऐड हो जाएगा, तो इसका अगर 5 वर्ष ऐड हुआ तो इसका भी 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस 5 होगा, मतलब राम का एज x प्लस 5 होगा वर्तमान में, और अंकल का एज कितना होगा, 4x प्लस 5 होगा। अब ये दोनों का एज हम लोग को पता चल गया वर्तमान में, और वर्तमान में देखिए दोनों के बीच का अंतर है 30 वर्ष का, तो दोनों के बीच का अंतर मतलब क्या, डिफरेंस है, माइनस कर देंगे कितना, 30, यही दिया गया यहाँ पे, माइनस है तो माइनस कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 5 माइनस x फिर प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 30। अब 4x से x जाएगा तो हो जाएगा 3x, प्लस 5 और माइनस 5 कट जाएगा इज इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 10 आ गया, तो x का वैल्यू निकल गया। अब पूछा क्या गया था, 5 वर्ष बाद राम के चाचा की उम्र, तो अभी 5 वर्ष पहले देखिए चाचा का उम्र का रेशियो क्या है, 4x है, तो 4 × x तो कितना हो जाएगा, 4 × 10, तो हम लोग का हो जाएगा 4×10 = 40 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 40 कब का है, 5 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में अभी कितना हो जाएगा, 5 वर्तमान में हो जाएगा, 5 वर्ष ऐड करेंगे तो 45 ये वर्तमान में होगा, लेकिन 5 वर्ष बाद का पूछा गया तो और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। तो 5 5 दो ऐड ना करके हम लोग डायरेक्ट भी 10 ऐड कर सकते थे तो 50 आता, ठीक है, चाहे तो ऐसे करें चाहे तो फिर ऐसे करें, दोनों में आंसर आपका इक्वल ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है, उसमें मैंने ट्रिक और उसका बेसिक भी बताया, तो इसमें सिर्फ हम ट्रिक बताएंगे, बेसिक उसमें से देख लीजिएगा पार्ट वन का वीडियो से। तो देखिए इसमें दिया गया एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 6 गुना है, तो फादर और सन का रेशियो क्या है, 6:1 का है, मतलब वर्तमान का रेशियो है। 4 वर्ष बाद अपने पुत्री की आयु की, पुत्री है यहाँ पे, ठीक है, पुत्र नहीं है पुत्री है, तो डॉटर लिख देते हैं, 4 वर्ष बाद अपने पुत्री की आयु की 4 गुनी होगी, तो 4 वर्ष बाद रेशियो क्या है, 4:1 का है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है पूछा गया है, तो देखिए इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, 1:1 = 0 हो रहा है, डिफरेंस मतलब क्या, इससे इसको घटा देंगे, फिर इससे इसको घटाइए तो 2 होगा, ये इक्वल नहीं हो रहा है, जब इक्वल नहीं हो रहा है तो हम लोग को नया रेशियो निकालना होगा, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ लिखेंगे, अब 6 से 1 जाएगा 5 यहाँ लिखेंगे, तो फादर है और डॉटर है, रेशियो नया रेशियो यहाँ पे लिखेंगे, तो 6 3 जा हो जाएगा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, ये रेशियो बना। अब 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा हम लोग का। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, इसका भी डिफरेंस 2, ये इक्वल हो रहा है। अब यहाँ क्या दिया गया, 4 वर्ष है तो 4 लिखेंगे और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों 2 जो आया इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। अब इसको क्या करना है, किसका निकालने बोला गया, तो पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान वाला रेशियो ये है, लेकिन ये रेशियो नहीं देखेंगे, ये पुराना हो गया, ये नया रेशियो जो बनाए उसको देखेंगे, तो पुत्री की वर्तमान रेशियो 3 है, बस 3 से अभी जो वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या है, 2 2 3 6, तो पुत्री की वर्तमान उम्र 6 वर्ष हो जाएगा। ये मैंने इसका ट्रिक बताया, और इसका बेसिक आप लोग को देखना है अगर तो पार्ट वन का वीडियो देखिएगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।